नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बदायूं मिरर और मैं हूं आपके साथ तनिषा। आइए नजरें डाल लेते हैं आज बनारस की प्रमुख पांच खबरों पर। मोहन सराय बैरवन स्थित रेलवे ओवरब्रिज रोहनिया के हाईवे पर सोमवार को सुबह लगभग 6 बजे देवीगंज कड़ाथाम सिरातू से मुगल सराय जाते समय आम लदी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें शीतला धाम कड़े निवासी ड्राइवर हैप्पी के साथ में व्यापारी अखिलेश घायल हो गए। पिकअप पलटते ही राजा तालाब से अखरी जाने वाले मार्ग पर लंबी कतार लग गई। घटना के बाद सड़क पर पलटी पिकअप से सड़क पर फैले आम को स्थानीय लोग लूट ले गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे हाईवे पेट्रोलियम के कर्मचारियों ने घायल ड्राइवर का प्राथमिक उपचार करवाया। अभावित कृषि प्रांत एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक सूरत में 7 से 9 जून तक संपन्न होने के बाद प्रांत मंत्री अभय प्रताप सिंह ने सोमवार को पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि एबीवीपी ने देश के कई हिस्सों में नीट और नेट यूजी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा मेडिकल के प्रवेश परीक्षा नीट का भी CBI जाँच करवाने का फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद लंबे समय से मांग कर रही है कि किसी भी परीक्षा में पारदर्शिता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। देखिए, जो हम जानते हैं कि NTA द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे कि नीट UG परीक्षा, NTA UGC नेट और NTA CSIR नेट की जो परीक्षा है, इसमें पिछले दिनों देखा गया कि नीट UG की परीक्षा में बड़ी एक तरह से धांधली भ्रष्टाचार उजागर हुआ। कुछ ही सेंटर से विद्यार्थी उस परीक्षा को टॉप करते हैं, कहीं ग्रेस मार्किंग की बात आती है, कहीं पेपर लीक की बात, बिहार में हम देखते हैं पेपर लीक की भी खबरें आती हैं। इसको लेकर विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में था, NTA की जो पूरी प्रणाली उस पर सवाल उठा रहा था। उसी बीच हम देखते हैं कि 18 जून को जो एक और बड़ी परीक्षा NTA UGC नेट की परीक्षा होती है, उसका पेपर लीक होने की खबरें आने लगती हैं। 19 जून को NTA द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो नेट की परीक्षा 18 जून को बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में विद्यार्थी देश भर में दे चुके होते हैं, उस परीक्षा को पेपर लीक के शक में रद्द कर दिया जाता है। इसको लेकर, दोनों ही घटनाओं को लेकर विद्यार्थी परिषद देश भर में आंदोलन करती है। देश भर में हमने इस पूरे परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाया और CBI जांच की मांग की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी सोमवार को वाराणसी एयरपोर्ट पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बेटे अनंत की शादी का निमंत्रण लेकर आज बाबा विश्वनाथ के दरबार आई हूं। बता दें कि नीता अंबानी बेटे अनंत और बहू राधिका की शादी के लिए श्री काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने काशी आई। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए, साथ ही उन्होंने गंगा आरती भी देखी। नीता अंबानी आई थी, लेकिन उनको पहुंचने में थोड़ा सा विलंब हो गया था, और आई तो जितने भी उन्होंने आरती में अपना समय दिया वो बहुत अभिभूत होकर के गई हैं। बहुत प्रसन्नता अपनी जाहिर कर रही थी, और यहाँ ऑफिस में प्रसाद लेते समय उन्होंने कि हाँ थोड़ा सा हमें विलंब जरूर हो गया था मंदिर से निकलते समय, थोड़ा सा भीड़ वगैरह काशी की लेकर के, लेकिन वो बहुत खुश थी। इसके पहले भी वो आ चुकी हैं 2014 या 2015 में आई हैं, और आज की आरती उन्होंने बैठ करके देखा है, और जाते समय भगवती से प्रार्थना की वो अगली बार अपने पूरे परिवार को भी लेकर के आएंगी, और बड़ा प्रसन्न हृदय से वो सबको धन्यवाद दिया, यहाँ संस्था के सारे लोगों को, और बहुत खुश होकर के गई हैं, और उनके जो भी कार्य हैं उसके लिए भी वो प्रार्थना करके गई हैं कि वो उनका सकुशल संपन्न हो। वाराणसी कमिश्नरेट के रामनगर पुलिस और SOG टीम ने SAP कोतावली अमित कुमार पांडे के साथ एक DCP ट्रक को पकड़कर 1-1 किलो के 42 गांजा का बंडल पकड़ा, जिसकी कीमत लगभग 10,50,000 आकी गई है। घटना का खुलासा SAP कोतावली ने प्रेस वार्ता में दिया। बताया कि उनकी गिरफ्तारी अलग अलग रूपों में हुई है। इसके साथ ही बताया कि गिरफ्तारी टिंगड़ा मोड़ BT फ्लाईओवर के नीचे से हुई है। मुकदमा भी लिखा गया था, उस पर जांच की कार्रवाई भी की गई थी। अतिरिक्त आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। जी, अंतर्राज्यीय कहा जाएगा तो कोई संदेह नहीं है।
हुकुलगंज में कक्षा 7 में पढ़ने वाली किशोरी ने दुपट्टा के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के पीछे पारिवारिक कलह माना जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलवाकर साक्ष्य संकलन कर जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार कक्षा 7वीं में पढ़ाई करने वाली छात्रा सिलेखा पांडे अपने बड़ी बहन के साथ अपने चाचा सुशील के घर हुकुलगंज में रहकर पढ़ाई करती थी। किशोरी की पहली मां की वर्ष 2007 में मृत्यु हो गई थी, जबकि पिता का वर्ष 2022 में देहांत हो गया। तो ये थी आज बनारस की 5 मुख्य खबरें। कल मिलते हैं इसी टाइम, तब तक आप देखते रहिए भदानी मिरर।